वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 4 द्विघात समीकरण दो दर्जी मसावते। इससे पहले के पीरियड में हमने देखा था मस्क चार पॉइंट डोके, मैंने आपको हिसाब हल करवाए थे। अब आज हम देखेंगे मस्क चार पॉइंट का दूसरे का तीसरा, लेकिन मैंने पहला और दूसरा नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया कि मैंने इससे पहले आपको मस्क इस लेसन जब स्टार्ट हुआ था जब ही मैंने आपको वो हिसाब हल करवा दिया है, जो रमकड़े वाला था याद आया आपको, तो वो हिसाब मैंने पहले ही आपको हल करवा दिया था, लेकिन वो हिसाब अधूरा है, उसमें मैंने सिर्फ आपको मसावात बनाकर छोड़ दिया है। तो आगे का हिसाब आपको हल करना है, और हल करने के बाद मुझे जवाब भी लिख के भेजना है कि इसका ये जवाब आया x बराबर क्या निकला, उसके बीच क्या निकले। आप अपनी किताब की नोट में देखोगे कि मेरा जब मैंने हल करवाए थे हिसाब, तो उसके अंदर मैंने मस्क एक मिसाल एक के अंदर दो हिसाब थे जो मैंने आपको मसावात बनाकर छोड़ दिए थे, सिर्फ रोहन और जीवंती वाला भी याद आया, तो उसमें का मैंने मसावात सिर्फ आपको बना दी थी। अब मसावात के आगे उसके अज्जाजर भी निकालने का काम आपको सौंपा है, और निकालने के बाद मुझे भेजना है कि एक्स बराबर यह निकला इसका जवाब। तो हम मस्क चार पॉइंटों का दूसरे का तीसरा आज हिसाब देखेंगे। तो बे एवी संख्याओं शोधो के जेमनो सरवाड़ो 27 अने गुणाकार 182 हो, यानी कि हमको दो अदद ऐसे तलाश करने हैं कि जिसका मजमुआ जिसको जमा करने पर हमको 27 हासिल हो, और उसका ज़र्ब करने पर हमको कितना हासिल हो 182। अब वो अदद तो हमको पता ही नहीं है ऐसे वो कौन से होंगे, लेकिन हमको इतना तो पता है कि ऐसे दो अदद मिलाएंगे कि जिसको प्लस करने से 27 होंगे, और ऐसे दो ऐसे अदद मिलाएंगे कि जिसको ज़र्ब करने से हमको 182 हासिल हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको वो दो अदद पता नहीं है, तो सबसे पहले मैं करूँगी क्या लिखेंगे कि फ़र्ज कीजिए कि सवाल में एवी वे संख्याओं शोधो है ना, तो फर्ज कीजिए कि जिसके हासिले जमा जिस दो अदद के हासिले जमा जिस दो अदद के हासिले जमा 27 हो है ना, 27 हो, ऐसा पहला अदद हम क्या लेंगे एक्स, क्या लेंगे एक्स, क्योंकि हमको पता नहीं है, और दूसरा अदद हम क्या लेंगे और दूसरा अदद क्या लाऊंगी मैं, अब एक्स है 27 है, तो 27 में से माइनस एक्स करूंगी, तो 27 माइनस एक्स हो गया। फर्ज कीजिए कि जिस दो अदद के हासिले जमा 27 हो, ऐसा पहले अदद हमने क्या फर्ज किया एक्स किया, अब x लेंगे तो 27 माइनस एक्स करेंगे तो जवाब आएगा ना x का जवाब, तो दूसरा अदद हमने क्या फर्ज किया 27 माइनस एक्स। अब दोनों का क्या है हमारे पास, दोनों का हासिले ज़र्ब, दोनों का गुणाकार, दोनों का हासिले ज़र्ब कितना है 182। चलो मसावात बनाए ये मसावात बनाएंगे हम, तो सबसे पहले क्या रखेंगे x, फिर काउंस में क्या रखेंगे 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब इसको मियारी शक में लाना है, 27 को x से दूंगी तो 27 एक्स माइनस x को x से दूंगी तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 182। हजू भी मसावात बनी नहीं, x स्क्वायर 27 इधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 27 इज इक्वल टू माइनस हटेगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये मेरी मसावात बन गई, जब 182 एका 182 182 के ऐसा अज़ाज़र भी की जोड़ चाहिए कि जिसको माइनस करने से मेरे को क्या मिले 27 मिले, ऐसी कोई जोड़ है बोलो, सॉरी 27
एक्स स्क्वायर माइनस 27x इज इक्वल टू एक्स होने 82। चलो है इसी को ही जोड़, तो ये माइनस और सॉरी इज इक्वल टू हटेगा तो मेरा क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू जीरो, तो 182 एका 182 के मेरे को ऐसे जैजरबी की जोड़ चाहिए कि जिसको प्लस करने से मेरे को क्या हासिल हो 27। ऐसा कोई अदद है? देखो 182 जिसको प्लस करने से मेरे को 27 हासिल हो। अब अभी तक इससे पहले के हिसाब में जो हमने हल करा तो वो हमारा हल क्या था, छोटे छोटे थे, 3 × 5 = 15, 8 × 2 = 16 ऐसे थे। अब ये आदत कैसे आ गया, बड़ा आ गया। तो बड़े आदत के लिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर जिसकी जोड़ बनानी हो तो हमको हार्ड पड़ता है तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, उसके अज्जाई जरबी काटेंगे। चलो 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 2, 13 × 7 = 51 और 7 × 1 = 7। देखो 7 × 2 = 14 और 13 × 13, 14 और 13 की मैं प्लस करती हूँ तो 27 होते, 1 × 1 = 2, यानी कि मेरी जोड़ मेरे को क्या मिलेगी 14 और 13 की। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी, क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 14x माइनस, क्यों माइनस रखूंगी मैं, क्योंकि अगर प्लस रखती हूँ तो यहाँ मेरा जवाब आएगा नहीं, तो माइनस प्लस माइनस रखूंगी कि प्लस रखूंगी, मेरे को प्लस चाहिए प्लस, तो प्लस रखूं कि माइनस रखूं, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 14x, मैंने 27 रख दिया था, 14x 13x। अब मैं यहाँ पर क्या रखूंगी कि मेरा जवाब 27 आएगा प्लस करने पर, माइनस रखूं कि प्लस रखूं, तो मैं यहाँ पर रखूंगी माइनस, तो एक्स स्क्वायर 14x माइनस 13x, तो माइनस माइनस मिलके प्लस होएगा, 14 में 13 की प्लस करो देखो 27 आएगा, प्लस 182 इज इक्वल टू जीरो। चलो ये एक जोड़ बन गई, ये एक जोड़ बन गई, बचा क्या मेरे पास, x बचा, अब यहाँ पर बचेगा x माइनस 14, मेरा कॉमन निकलेगा यहाँ से माइनस 13, बचेगा x माइनस प्लस माइनस और 13 जो 14 को इंटू करूंगी तो 182 जीरो। अब दोनों संख्या में x माइनस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो, तो क्या करूंगी मैं, x माइनस 14 इज इक्वल टू जीरो और x माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो, तो इसलिए x इज इक्वल टू कितने रखूंगी 14 और x इज इक्वल टू कितने रख दूंगी 13, ये देखिए वो दो अदद हमारे कौन से निकलेंगे 13 और 14 निकलेंगे, कि जिसको प्लस करने पर हमको 27 मिलते और जिसको जरा देने पर हमको 182 मिलते। चकासनी करनी हो तो कर सकते हैं, 14 और 13 ये दोनों की जरब करेंगे तो इसका जवाब 182 आएगा। चलो अब इसके बाद हम देखेंगे मश्क 4 पॉइंट का दूसरे का चौथा, કે જેના વર્ગના સરવાળો 365 થાય એવી બે ક્રમિક ધન પૂર્ણાંક સંખ્યા શોધો। અભી આ સવાલ દેખ કે યો ગયે તો સવાલ ઉર્દૂ મેં સહેગા એસે દો લગાતાર મુસ્બિત સહી અદદો કા હાસિલ જમા 365 હો ઉસે અદદ કો હમકો તલાશ કરના હે। વર્ગ કો હમ કહેંગે ઉર્દૂ મેં મુરબ્બા, ક્યા કહેંગે મુરબ્બા, કિસકો કહેતા હમ મુરબ્બા, के 2 की कुवत 2, 3 की कुवत 2, 4 की कुवत 2, तो ये आएगा इसका, ये इसका मुरब्बा क्या आएगा, तो 3 की कुवत 2 तो बराबर कितना आता है 9,
समझ पड़ी? तो वर्ग यानी के मुरब्बा, सरवड़ा यानी के जमा, मजमुआ उसका हासिल है जमा। और क्रमिक घन पूर्णांक का मतलब होता है कि दो लगातार, तो दो लगातार मुरब्बा मुस्बित सैदत वालों का ऐसा देने के मजमुआ तलाश करने का है कि जिसका हासिल जमा 365 हो। यानी कि आपको समझ नहीं पड़ती हो तो आपके पास उर्दू की किताब है उसके अंदर देख लो, लेकिन हमारे सवाल जो होते हैं वो गुजराती में होते हैं। तो चलो हमको ऐसे दो अदद तलाश करने के जिसका हासिल जमा यानी कि मुरब्बों का हासिल जमा, जिसकी कुवत है उसका हासिल जमा हमारा कितना होना चाहिए 365। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दो लगातार सही अदद यानी कि दो अदद मिलेंगे, तो इससे पहले ही हमने हासिल जमा का हिसाब हल करके देखा। तो यहाँ पर हम देख लिखेंगे कि फर्ज कीजिए कि दो लगातार सही मुस्बित सही अदद सही आदत का मैं पहला आदत क्या लूंगी, पहला आदत एक्स और दूसरा क्या लूंगी एक्स प्लस वन। पहला आदत मैंने क्या लिया एक्स और दूसरा मैंने क्या लिया एक्स प्लस वन। अब क्या दे रही है पूर्णांक दे रहा है कि बेक्रामिक पूर्णांक यानी के सही मुस्बित अदद, हमने सिर्फ क्या लिया x और x प्लस वन। तो मैं इसका क्या करूँगी, सबसे पहले इसको मुरब्बे में लाऊंगी, तो मुरब्बे कहने के x की कुव्वत दो और मैं क्या करूँगी दूसरा मैं अदद क्या रखूँगी x प्लस वन काउंस की कुव्वत दो। बड़ी समझ, यानी कि दोनों का हासिल है यानी कि क्या होते 365 है। चलो एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर उसके बाद में क्या करूंगी, चलो दूसरा अपने करते आगे इसको भी लिखते हैं और हासिले जमा मुरब्बो का हासिले जमा हासिले जमा एक स्टेप अदद कितना है यहाँ पर 365 है, बनाने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन पूरे काउंस की कुव्वत दो बराबर 365 हो गया। मसावत हजू हमारी बनी नहीं है, एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर प्लस का प्लस, यहाँ पर जाप्ता कुछ याद आया, बोलो जाप्ता कुछ याद आया, बार बार मैं याद दिलाती हूँ। एक्स प्लस वन पूरे काउंस की कुव्वत दो, कुछ जाप्ता याद आया, ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर का जाप्ता यहाँ पर लगेगा, कौन सा जाप्ता ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो ए बराबर हमारे पास एक्स है तो एक्स स्क्वेयर प्लस टू ए बी तो दो ए का दो प्लस बी स्क्वेयर यानी कि ए इज इक्वल टू 365। चलो एक्स स्क्वेयर में एक्स स्क्वेयर मिला दूंगी तो टू एक्स स्क्वेयर हुआ प्लस दो एक्स 365, तो प्लस माइनस क्योंकि इज इक्वल टू हटेगा तो माइनस 300 या फिर 365 इधर जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 365 में से एक जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 365 में से एक जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस 364 हो गया। चलो कुछ कॉमन निकलते हैं, देखो मेरा दो कॉमन निकलेगा क्योंकि दो से सब तक सीमेंगे ये भी और 364 भी, तो मेरा दो कॉमन निकलेगा इसलिए मेरा क्या बनेगी मसावत एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस दो एक का दो एक बचा दो आठ है 16 और दो दूनी चार इज इक्वल टू जीरो, क्या बनी मेरी मसावत एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 वापस आ गया अज्जाजर भी 182 एक 182 182 के ऐसे अज्जाजर भी की जोड़ चाहिए कि जिसको माइनस करने से मेरे को कितने हासिल हो एक हासिल हो। जस्ट अभी हमने इससे पहले ही हिसाब हल कर चुके हैं 182 वाला अज्जाजर भी निकाल लेने के
दो नवे अठारह, दो एका दो, तेरह सात इक्यावन, सात एका सात, सात दूनी चौदह, तेरह का तेरह, चौदह में से तेरह जाएंगे तो एक बचते मेरे पास, यानी कि चौदह और तेरह की जोड़ाई तो रखूंगी एक्स स्क्वायर प्लस चौदह एक्स, क्या रखूंगी यहाँ पर मैं माइनस रखूं कि प्लस रखूं, तेरह लिख देती हूँ पहले, तो क्या रखूंगी प्लस माइनस, माइनस माइनस रखा, माइनस एक सौ बयासी इज इक्वल टू जीरो। चलो जोड़ बन गई हमारी, एक जोड़ ये एक जोड़, कॉमन निकलेगा मेरे पास से x, यहाँ पर से बचेगा x प्लस चौदह, कॉमन मेरा निकलेगा माइनस तेरह, और x माइनस माइनस मिलके प्लस चौदह इज इक्वल टू जीरो। दोनों कॉमन को एक वक्त लिखने का, x प्लस चौदह और x माइनस तेरह, इसलिए x प्लस चौदह इज इक्वल टू जीरो और x माइनस तेरह इज इक्वल टू भी जीरो, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस चौदह और x इज इक्वल टू तेरह। तो इससे पहले ही मैंने हिसाब में आपको हल करने का बता दिया था कि ऋण वाली संख्या हमको चाहिए नहीं, तो हम क्या रहेंगे x बराबर कितना रखेंगे, तेरह रखेंगे। तो x बराबर तेरह रखने पर हमने क्या तलाश किया था, तो जेनो सरवाड़ो वर्ग नो सरवाड़ो 365 है, वो संख्या कौन सी है, चौदह और तेरह है। अब इसके बाद क्या हम देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में।